अच्छा आप तुम लोगों से कुछ सवाल करने मुझे जी। ये अपनी पसंद का सवाल चूज करें, इनके अंदर सवाल आते हैं। मैंने शो ऑटो पे छोड़ दिया है। बेगम ने सवाल किया, सास ने सवाल किया, पड़ोसी ने सवाल किया, इससे पुप्पो ने सवाल किया, साथी अदाकार ने सवाल किया, दोस्त ने सवाल किया, होने वाले शोहर ने सवाल किया, मद्दाह ने सवाल किया, बेगम ने सवाल किया, बेगम ने सवाल किया, मैंने चूज किया मद्दाह। ओके बेगम ने सवाल किया, पूछो हुमायूं। हां पूछो। मद्दाह ने सवाल किया, मद्दाह। जब से स्क्रीन पे आने लगे हो ज्यादा नखरे नहीं हो गए, कैसा हुआ है हुमायूं? आप जब से स्क्रीन पे ज्यादा मशहूर हो गए हैं तो बेगम को नखरे दिखाते, पहले नहीं दिखाते थे, कैसा है? नहीं मैं पहले दिखाता था, बाद में तो बिल्कुल उल्टा हो गया। एक्टर से ज्यादा हम्बल क्रिएटर कोई नहीं होता, ये मुझे, क्योंकि इतना उनको एडजस्ट करना आ जाता है हर माहौल में। मुझे लगता है कि वो बड़े हम्बल हैं रिश्तेदारों के साथ। वाकई पक्की बात है? नहीं नहीं, वाकई सही बात है। मैंने आप अपनी बेगम को नखरे नहीं दिखाते? क्या आपका मैक्सिमम बड़े से बड़ा नखरा क्या है? मैक्सिमम नखरा जो कहते हैं होगा कि अगर अगर किसी दिन खाना सही नहीं बना या मेरे मतलब का नहीं बना तो मैं ये बोल देता हूँ यार मुझे अंडा बनवा दो बस। ईमान क्या सवाल सेलेक्ट करोगी? दोस्त ने सवाल किया। चलो दोस्त ने, दोस्त किधर है वो? हाँ वो रहा। ओके दोस्त ने सवाल किया। हाँ सुनो, तुम इतना कमाती हो उधार नहीं दे सकती? नहीं ना, वो तो ले चुके हैं सारे मेरे से, तो सारों को उधार दे चुकी हूँ, जुकर वापस मिल गए। अच्छा बताओ उधार लेने का तरीका क्या है वापस? कुछ नहीं एक्चुअली, उनको जलील कर दे बाय नॉट आस्किंग फॉर द मनी एट ऑल। फर्ज करो उधार बहनों ने लिया हो, ईदी तुम्हारे, तुमने जो ईदी ली हो और तुम्हारी बहन ने कहा मुझे दो थोड़ी ईदी उधार दे दो, इतनी बेवकूफ नहीं हूँ मैं। माफ करते हैं, वो करते रहे सवाल, वो फिर करते रहे, उधार वापस नहीं मिलता, माफ कर दे। घर पे तो नहीं, वही तो कह रही हूँ, बहनों ने ली ईदी, दे दो ना प्लीज उधार दे दो, तो वापस लोगी? हाँ ले लोगी। क्या तरीका है, टेक्निक क्या है, टिप क्या है? इमोशनल ब्लैकमेल, मांगो ही ना। तो फिर आइंदा दिन तुम्हें मैं कभी जिंदगी भर नहीं दूंगी इस तरह, यही है ना? नहीं अब नहीं, कोल्ड शोल्डर, टोटल कोल्ड हो जाओ ना। ठीक है आयशा, क्या सवाल सेलेक्ट करोगी? होने वाले शोहर ने सवाल किया। होने वाले शोहर ने सवाल, होने वाले कितने शोहरों ने सवाल किया? नहीं कोई ज्यादा होने वाले शोहर नहीं है, बड़े तुम्हारे पीछे इतने शादी करने तो जी हैं, तो होने वाले शोहर ने सवाल करनी, होने वाले शोहर ने सवाल किया, क्या तुम एक्टिंग छोड़ दोगी शादी के बाद? इससे शादी ना करना। मैं जवाब जवाब मैं देती हूं। हां सही सवाल, नहीं शोहर के लिए नहीं छोड़ूंगी। हां लेकिन बेबी होगा, होगी तो आई डोंट वांट टू वर्क फॉर द फर्स्ट 10 इयर्स, आई मीन अल्लाह करे मजबूरी, वो तो एक अलग बात है ना। हां वो तो तुम डिसीजन लोगे। मुझे नहीं एक्टिंग करनी 10 इयर्स, मुझे कभी भी नहीं करनी, एक्टिंग नहीं करूंगी, कुछ और पेंट करूंगी, गाऊंगी, बट मुझे 14 घंटे की एक्टिंग शिफ्ट नहीं करनी बच्चे भी के साथ। सो या आई थिंक आई वांट टू फोकस मोर ऑन अदर थिंग्स। हां ओके सोनिया क्या सवाल करेगी, क्या 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 चूज करेगी? जो हो गए वो हो गए। हां नहीं उसमें और भी है, तुम चूज कर सकती हो। हां होने वाले मियोने से बहुत होने वाले शोर है भाई, हम इमेजिनरी ही कर सकते हैं। यही है ना होने वाले। हाँ जी, मुझे नजर नहीं आ रहा। ओके जितना तुम ड्रामों में तैयार रहती हो, क्या उतना ड्रामों में या शोज में क्या उतना तुम मेरे ऑफिस से घर आने पे भी तैयार होगी? हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, यही पूछना। एक्चुअली मेन डोंट, मर्दों को ज्यादा मेकअप और तैयारी अच्छी नहीं है, लेकिन मर्दों को पजामा नाइट सूट में घूमने वाली भी पजामा नाइट सूट, ऑब्वियसली कोई ज्वेलरी वगैरह तो नहीं, नेचुरल सिंपल फेस इज बेटर। मतलब जो मर्द खड़ा हुआ उससे पूछो ना। अच्छा जी नहीं, क्या मेकअप तैयार बीवियां अच्छी लगती है? नहीं मुझे नहीं, बहुत ज्यादा मेकअप, मतलब लाइट मेकअप, थोड़ा सा बाल, हाँ हल्का ब्लो ड्राई वगैरह, ब्लो ड्राई जरूरी। क्या पहना उसने बताएं? मतलब बाकी पजामाज में नहीं, नहीं बस होना चाहिए, देखा होना चाहिए, और बस एक पोनी बंदी भी हो और पजामा बात ठीक है, जितना मतलब आई थिंक एफर्टलेस होता है ना, सिर्फ पजामा अच्छा लगता है, साफ सुथरा बट हाँ होने बहुत अच्छे वाले, मतलब ये नहीं कि मोर ना ये क्यों नहीं सवाल कर सकता, मतलब याद इस ईद से पहले पहले आ जाए और बोले कि हमें तुम्हें चूड़ियां दिलाने चलूं। हाँ
ऐसा नहीं हो सकता। नहीं लेकिन अगर शोहर को तुम्हारे, देखो ये तो हुमायूं बोल रहा है कि मर्दों को ये पसंद होता है, मैं काफी लड़कों की बात कर रहा हूँ, काफी लड़कों पसंद है। अगर तुम्हें ऐसा शोहर मिले, तुम्हें ऐसा शोहर मिले कि उसको हर दम तैयार रहने वाली बीवी, ये होगी तैयार? क्यों भाई, ये तो होगी नहीं, ये तो नहीं होगा कि मेरा दिल नहीं चाह रहा, काम चोरी हो रही है। नहीं, जिस दिन मैं नहीं इस पे तैयार होती भाई, मुझे वैसे खुद को तैयार होना बड़ा पसंद है, तो मैं वैसे भी थोड़ा बहुत प्रेजेंटेबल रहने का मुझे शौक है। इतनी तैयार हो शौक देख के बाजे मगर नहीं, मगर जब नहीं करेगा तो उतना उसको समझ आनी चाहिए कि हाँ भाई आज थकी हुई है तो कोई मसला भी नहीं है। जी सारा, सारा लॉरेंट क्या सवाल चूज करेंगे? ठीक है, आपकी साथी अदाकार ने सवाल किया, साथी मुझे ऐसे ही समझ आते हैं, साथी अदाकार मद्दा ने सवाल किया, शौहर का मूड नहीं है, सास सुध होगी नहीं पता नहीं। ओके, साथी अदाकार ने सवाल किया, सुनो सारा जी, जल्दी चेक निकलवाने की कोई टिप दे दो, कैसे निकलवाते हैं जल्दी चेक? बस मुझे बता दो, एक सेकंड, कितना अच्छा क्वेश्चन है, हाँ, जिसका है नंबर दो उसका, इट विल बी डन, आप भी बता लाइक दैट, आज ही देखो ना, बता तो रही है कि वो ये कहेगी नंबर दो उसका कहां से पैसे निकालने हैं, तो मैं ये कहूंगी समझ ही नहीं आई हमारे, उसने बोला नंबर दे, नंबर को भी निकलवाते हैं, गुड आइडिया। देखिए भाई साथी अदाकार, जो भी सारा के साथी अदाकार हैं जिनका चेक, फैसल कुरैशी, फैसल कुरैशी तो इस बात के बकायदा गवाह है, क्योंकि हम एक शूट कर रहे थे, हम एक शूट कर रहे थे और उसका चेक क्लियर नहीं हुआ था, हाँ। और मैंने कहा शूटिंग नहीं होगी जब तक आप इनका चेक नहीं क्लियर करेंगे, शूटिंग रोक के बैठ गए, बाय द टाइम दे क्लियर द चेक एंड वी डिड द शूट, आई ऑलवेज टेक स्टैंड। चल भाई हुमायूं, इतनी आपकी बारी, सास, अच्छा चलो सास ने सवाल किया, ओके, सास ने सवाल किया हुमायूं, फॉर एग्जाम्पल रिश्ता होने वाला है, तब सास ने सवाल किया, किचन के काम वाम कर लेते हो, बीवी अगर बीमार हो खाना पका के खिला सकोगे? मैं कहूंगा नहीं, मैं खाना खिलवा दूंगा लेकिन मैं नहीं बना सकता। कभी जिंदगी में बेगम की खिदमत नहीं की क्या? मतलब क्या क्वालिटीज है ख्याल रखने में बताओ ना भाई, ख्याल रखने ताकि दूसरे आदमी को पता चले बीवी, मैं उसकी हर बात मानता हूँ, ये भी करना चाहिए कि आपको कंफर्ट देना चाहिए कि जब हम कोई प्रॉब्लम लेकर आए, यूजुअली मैं देखा आदमियों में होता है कहते हैं अच्छा तो उसका ये कर लेते हैं, फिर ये ना करें, सुने बस चुप, अच्छे सुनने वाले हैं बहुत, हाँ बहुत ही अच्छा, सुन के यहाँ तक पहुँचा, मैं सही बता रहा हूँ। ओके।